दोस्तों, आप लोगों से मेरा बात करना था। आज कुछ ज़रूरी बात है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि मुझे आप लग रहा है ऐसा कि मुझे आप ब्लॉगिंग छोड़ना पड़ेगा। आप लोगों को ब्लॉग में आप नहीं दिखा पाऊँगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरे ब्लॉग को देख रहे हो। और आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली अभी मैं आया हुआ हूँ छत पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा धूप किया हुआ है, आज भी धूप ही है, गर्मी नहीं है। और मैं आपको बैक कैमरा से एक बार दिखाता हूँ छत का हाल, क्या हुआ हुआ है छत का। तो देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा गंदा संदा हो रहा है पूरा। और यहाँ चेयर वेयर है, और ये तो पूरा साफ़ है। और छत पे एक भी कपड़ा वपड़ा आज नहीं है दोस्तों, जैसा कि हमेशा रहता है। और बगल वाले छत पे देख सकते हैं कितने कपड़े, और सब भी छत पे देख सकते हैं कितने कपड़े हैं, लेकिन हम लोग के छत पे एक भी कपड़ा आज नहीं डाला गया है दोस्तों। और मौसम देख सकते हैं, पूरा बादल उदल है, लग रहा है कि बारिश वारिश होगा, लेकिन धूप भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है। तो दोस्तों, धूप किया हुआ है तो बारिश तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बादल तो है। अब पता नहीं क्या होता है नहीं होता है। तो अभी मैं जाता हूँ नीचे, और नीचे जाता हूँ और आपको अपने तोते को दिखाता हूँ कि क्या कर रहे हैं वो लोग, नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी से चलते हैं नीचे। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं नीचे। मिठो देख सकते हैं ये लोग को, तो देख सकते हैं दोस्तों दोनों को, एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों को ही है और खा रहा है। तो ये लोग को परेशान नहीं करते, खाने देते हैं, खाओ दोनों मिठू लोग। तो दोस्तों, फाइनली अभी दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके हैं, और अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। तो दोस्तों, फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ छत पे, जैसा कि आप लोग कैमरा में देख सकते हैं मेरे ब्लॉग में। और दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि देख रहे हैं थोड़ा अंधेरा अंधेरा टाइप का, तो इस कारण आप लोग सोच रहे होंगे दिमाग में। लेकिन मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूँ कि अभी 5:10 ही हो रहे हैं, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, और मौसम ख़राब किया हुआ है, पूरा बादल घिरा हुआ है दोस्तों, इस कारण से आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको क्या ही दिखाऊं, आपको मौसम का हाल पहले दिखा देता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। तो देख सकते हैं पूरे काले काले बादल आए हुए हैं पूरा। देख सकते हैं ये टावर है हम लोग के घर के पास का, एक टावर देख सकते हैं यहाँ पर भी है। और दोस्तों, एक टावर है देख सकते हैं यहाँ पर गांच के एकदम जस्ट पीछे, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, देख सकते हैं। और एक इधर और है, मतलब तीन टावर है यहाँ पर, एक अब बीच में यहाँ पर दो, और एक वहाँ पर देख सकते हैं छोटा तीन। तो दोस्तों, आप लोग देखें कि मतलब अभी अंधेरा क्यों है, क्योंकि मौसम ख़राब है, इस कारण से है। ऐसा नहीं कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कैमरा से, बैक कैमरा से, तो देख सकते हैं इसी में मेरा मछली का बच्चा था छोटा छोटा, जो कि अभी पूरा पानी गंदा हो चुका है, इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। तो इसको साफ़ करेंगे दोस्तों तब मछली साफ साफ दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है। और ऐसा है दोस्तों कि अगर उसको साफ़ नहीं करेंगे तो हो सकता है मछली भी मर उड़ जाए, इस कारण से कल ही उसको साफ़ कर देंगे। और मैं आपको अपना गली का हाल दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं गली में कोई नहीं है, पूरा गली खाली, एक बाइक लगा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा दूँ, और कोई नहीं है गली में। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कबूतर लोग को खेल रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग देखें मेरे छत का व्यू कैसा लगा, आपको कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग मेरे चैनल पर मिलते रहेगा दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं छत्ता में 15 अगस्त जा चुका है, फिर भी अभी भी झंडा लगा हुआ है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर 26 जनवरी हो तो 1-2 दिन लगा कर रखो, 27-28 जनवरी तक, उसके बाद खोल दो, उसको मत रखो छत पर। और वो लगा था लगभग 15 अगस्त से पहले दोस्तों, और आज हो चुका है, जैसा कि आप लोग को पता है कि 4 सितंबर हो गया, अभी तक नहीं खोला गया दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, खोल देना चाहिए दोस्तों। आप नहीं खोले हैं तो हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और लेकिन आप लोग दोस्तों मेरे ब्लॉग को जो भी देख रहे हैं, तो ऐसा ही कीजिएगा, अगर आप लोग भी झंडा लगाइएगा तो 1-2 दिन लगा के रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 अगस्त में लगाएं तो 15, 16, 17 अगस्त तक लगा के रखिएगा, उसके बाद खोल दीजिएगा। 26 जनवरी में भी लगाइएगा तो 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 तक रखिएगा, उसके बाद खोल दीजिएगा दोस्तों, इतना दिन तक नहीं लगाना चाहिए झंडा।
लगा तो आप सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता है, इस कारण से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग खोल दीजिएगा। तो दोस्तों फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ अपने एक्सपेरिमेंट वाले रूम पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं कैमरा को सामने माउंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करना है, तो जल्दी से कैमरा को सामने माउंट कर देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने कैमरा को सामने माउंट कर दिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा बात करना था आज, कुछ ज़रूरी बात है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि मुझे आप लग रहा है ऐसा कि मुझे अब ब्लॉगिंग छोड़ना पड़ेगा, आप लोगों को ब्लॉग में आप नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि दोस्तों आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे 4-5 मंथ हो गया है ब्लॉगिंग कर करके, लेकिन मुझे आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, ना मेरा सब्सक्राइबर गेन हो रहा है ना मेरा वॉच टाइम गेन हो रहा है। तो ऐसा है दोस्तों कि जब मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर मुझे ब्लॉग बना के क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ, अपने डेली लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे ब्लॉग को नहीं देख रहे हो, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं आपको हर ब्लॉग में आपको जैसा कि बोल रहा था कि दोस्तों लगभग 51% है जो नॉन सब्सक्राइबर है जो आ रहे हैं लेकिन मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, और 49% है जो मेरे ब्लॉग पे आ रहे हैं और वो सब्सक्राइब किए हुए मेरे चैनल को, लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा चैनल पे व्यू नहीं जा रहा है, ना वॉच टाइम गेन हो रहा है ना सब्सक्राइबर गेन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो मतलब आप लोग अपना प्यार नहीं दिखा रहे हो मेरे चैनल पे, जैसा कि मुझे लग रहा है। तो इस कारण से दोस्तों मैं सोचा हूँ कि मुझे ब्लॉग को बंद करना पड़ेगा क्योंकि मैं अगर इधर ध्यान देता हूँ तो फिर मेरा पढ़ाई पर ध्यान नहीं होता है, और आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग प्यार ही नहीं दिखा रहे हो। तो जब दोस्तों आप लोग प्यार नहीं दिखा रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग को बंद कर देता हूँ और अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस कर देता हूँ, क्योंकि ब्लॉग बना के कोई फ़ायदा मुझे नहीं हो रहा है जैसा मुझे होना चाहिए। आप लोग अगर प्यार दिखाते तो मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आप लोगों को दिखाते रहता हमेशा। दोस्तों मैं आपको बोलता भी रहा कि दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करूँगा, और पूरी कोशिश कर भी रहा था दोस्तों, लेकिन आप लोग प्यार ही नहीं दे रहे हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो इस कारण से दोस्तों मेरा पढ़ाई पर भी ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है और इधर भी मैं टाइम बहुत ज़्यादा देने लगा हूँ यूट्यूब पर, तो इस कारण से मुझे लगता है कि यूट्यूब को मुझे छोड़ देना चाहिए अब, क्योंकि अगर YouTube में बनाऊंगा ज़्यादा वीडियो जो करूंगा बनाऊंगा YouTube पे चैनल पे अपना ब्लॉग, तो फिर हो सकता है कि मेरा पढ़ाई ख़राब हो जाए, ना मैं इधर कर रहा हूँ ना उधर कर रहा हूँ, कहीं का ना रहूँ। तो इस कारण से दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने फैसला लिया है इस बार कि मैं अपना ब्लॉग चैनल को बंद करने वाला हूँ बहुत जल्द। अभी आप लोग का देख लेता हूँ 3-4 दिन के लिए, अगर आप लोग अगर प्यार दिखाएंगे, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी 3-4 दिन आप लोगों का मैं ब्लॉग बनाता हूं, देख लेता हूं कि आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे प्यार दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि दोस्तों ऐसा है ना कि मैं आपको नहीं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करो तभी मैं बनाऊँगा। दोस्तों मैं आपको दिल से बात बोल रहा हूँ कि मुझे लगभग 5 मंथ हो गया दोस्तों ब्लॉग बना बना के, और डेली ब्लॉग बेसिस पे मैं बना रहा हूँ आपको जैसा कि पता ही है, लेकिन दोस्तों ऐसा है कि अभी तक मेरा 100 सब्सक्राइबर गेन नहीं हुआ है। आप लोग सोच ही सकते हैं 5 मंथ से मैं आप लोगों के लिए इतने ब्लॉग बना रहा हूँ और अभी तक मेरा 100 सब्सक्राइबर गेन नहीं हुआ है। दोस्तों 1000 तो छोड़ ही दीजिए, वो तो इम्पॉसिबल ही है, 100 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है दोस्तों। तो इस कारण से मुझे ये फैसला लेना पड़ रहा है, अब क्या कर सकता हूँ, जब आप लोग प्यार ही नहीं दिखा रहे हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ऐसा है दोस्तों कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं आप लोग उसको ही प्यार दिखाते हो जैसा कि मुझे लगता है, और जो छोटे यूट्यूबर हैं उसको आप लोग नहीं देखना पसंद करते हो क्योंकि सोचते हैं कि मतलब बहुत कोई होते हैं, आप लोग सब के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ होते हैं जो कि सोचते ये हैं कि मैं इसका देखूंगा, इसका ग्रोथ हो जाएगा तो फिर ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा,
ये बहुत आगे बढ़ जाएगा, ऐसा दोस्तों सोच करके वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सिर्फ आते हैं चैनल पर, देखते हैं ब्लॉग को और चले जाते हैं और देखते हैं कि हाँ आज ये किया, हाँ आज वो किया, हाँ आज ये कर रहा था, आज यहाँ गया था, आज वहाँ गया था, ऐसा दोस्तों। और फिर दोस्तों बाहर निकलते हैं तो फिर ताना ही मारते हैं, अरे भाई तुम ऐसे किया था, वैसे किया था, ये किए थे, वो किए थे, तुम्हारा सब्सक्राइबर कितना है। और फिर मैं जब बताता हूँ दोस्तों तो वो लोग बोलते हैं, अरे तुमसे ज़्यादा तो मेरा सब्सक्राइबर है, मेरे पास उतना, मैं वीडियो भी नहीं छोड़ता हूँ फिर भी मेरा सब्सक्राइबर तुमसे ज़्यादा है। तो दोस्तों ऐसा सुन के तो बहुत बुरा लगता है, क्या ही बोल सकते हैं। और आप लोग तो सपोर्ट नहीं ये कर रहे हो, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 5 मंथ हो गया मुझे ब्लॉग बना बना करके, लेकिन कुछ गेन नहीं हुआ। तो इस कारण से मुझे ये फैसला लेना पड़ा दोस्तों, क्या ही कर सकते हैं। जब आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर मुझे ही कुछ करना ही पड़ेगा। जब आप लोग प्यार नहीं दिखा रहे हो तो ब्लॉग बना के मुझे फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा नहीं है, ना नुकसान है। उससे अच्छा है कि मैं अपना पढ़ाई पे ध्यान दूँ, अपना पढ़ाई पे फोकस करूँ, अपना कैरियर बनाऊँ, कुछ करूँ, क्योंकि बाद में फिर मुझे दिक्कत ना हो। लेकिन दोस्तों मुझे बहुत दुख हो रहा है ये यूट्यूब चैनल का ब्लॉग को छोड़ते हुए। इतना मैंने मेहनत किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत किया था आप लोगों के लिए दोस्तों, कि ब्लॉग बनाऊंगा, आप लोग को कुछ सीखने को मिलेगा, मैं अपने डेली ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा सारा कुछ। लेकिन आप लोग प्यार ही नहीं दिखा रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो इस कारण से मतलब आप लोग मुझे नहीं लाइक कर रहे हो मेरे वीडियो पे, आप लोग, आपको पसंद ही नहीं आ रहा है। वो भी बात सही है कि आपको अगर पसंद नहीं आएगा तो आप क्यों देखोगे मेरे वीडियो को। तो आपको पसंद ही नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ही मतलब ब्लॉग को छोड़ना ही सही लग रहा है। फिर भी दोस्तों एक दो दिन देख लेता हूँ, अगर मुझे अगर मन किया, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरा 50% से 60% है कि मैं छोड़ दूँगा ब्लॉग को। और जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा 8 तारीख को ट्रेन है जाने का, और मैं जा रहा हूँ, तो जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पर क्या होता है नहीं होता है, उसके बाद ही मैं ब्लॉग को छोड़ने का कोई डिसीजन लूँगा 8 तारीख के बाद दोस्तों। क्योंकि आपको मैं बोल चुका हूँ कि 8 तारीख को मैं कहाँ जा रहा हूँ, आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ ब्लॉग में। तो इस कारण से 8 तारीख तक मैं ब्लॉग बनाता हूँ, अगर आप लोग प्यार दिखाएं तो मैं कंटिन्यू करूँगा ब्लॉग को, और अगर मेरा माइंड सेट चेंज हो गया तो भी मैं कंटिन्यू करूँगा ब्लॉग को, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं ब्लॉग को छोड़ दूँगा दोस्तों, और अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस करूँगा और दोस्तों आगे की बढ़ने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यही था मुझे आपको बताना दोस्तों ब्लॉग के द्वारा। तो इस कारण से ये ब्लॉग को मैं बनाया हूँ दोस्तों। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपके लिए ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि मैं ऐसा सब बात बोलूँगा तो आप लोग सब्सक्राइब करने लगोगे मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को शेयर करने लगोगे तो मैं माइंड को, अपना सेटअप को चेंज कर दूँगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं सोचा हूँ, लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है। अब मेरा अगर माइंड भी अगर चेंज हो गया, अगर आप लोग सपोर्ट भी करोगे दोस्तों, सब्सक्राइब भी करोगे, तो हो सकता है मेरा माइंड चेंज हो जाए। अगर माइंड मेरा चेंज हो गया तो मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। आप देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट दिखाते हो मेरे चैनल पे दोस्तों। तो यही बात मेरे को करना था आप लोगों से दोस्तों। तो आज का ब्लॉग को मैं यहीं पर डी एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आप मन ही नहीं कर रहा दोस्तों ब्लॉग बनाने का, थोड़ा अजीब फील हो रहा है आज, मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोग, आप सोच रहे होंगे कि कल मैं ब्लॉग बनाऊंगा, तो हाँ दोस्तों मैं कल ब्लॉग बनाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ कि 8-9 सितंबर तक जब तक मैं नहीं जाता हूँ तब तक मैं ब्लॉग को तो कंटिन्यू करूँगा आप लोगों के लिए, दिखाने के लिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, सारा कुछ। अभी मैं कंटिन्यू ही ब्लॉग रखूँगा, अगर मेरा माइंड सेट अगर चेंज हो गया दोस्तों तो मैं ब्लॉग को नहीं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोग सपोर्ट ज़्यादा किए तो। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं कल के एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।